हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है वह फिर से हमारे नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज ये हम कहाँ आ गए? यहाँ पे सुनील ने लाया हमारे को, तो कुछ सुंदर सा नज़ारा लग रहा है। अभी हम आ चुके हैं नेचर पार्क मनाली में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। गाइस, ये क्या चीज़ हो सकती है? इसके अंदर बैठते होंगे शायद, क्या करते होंगे इसमें, तो कमेंट में बताइए कि इसमें ऐसा करते हैं। सुनील का ये कहना था कि आज हम जाएंगे नेचर पार्क, तो ये झूला झूलना चाहेगा, तो इसलिए इसने मेरे को यहाँ पे लाया है। साथ में इसने करनी है बोटिंग, तो शायद बोटिंग तो पता नहीं होती है, होगी भी कि नहीं यहाँ पे। और ये अभी मुझे को उठाने की कोशिश कर रहा है, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे ठंड भी है इस टाइम, तो आज माननीय, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे ठंड है यहाँ पे। माननीय, और ऊपर से यहाँ बड़े बड़े पेड़ है काफ़ी ज़्यादा बड़े, ये हमारे माननीय तो यहाँ धूप बिल्कुल श्रीमान, लगने वाली है नहीं। यहाँ पे है ना झूला, देख रहे हैं, तो यहाँ पे झूलेंगे सुनील, झूला। अरे मेरी, ये क्या है हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? अरे यहीं आने का प्लान था पूरे का पूरा, तो आज जाके यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे नहीं चलेगा, चक दिया आगे, हम इसको पीछे से लात मारेंगे अभी। इसको सुनील को एक बार एक इंसान सा जो इसकी तरह था पागल, इस तरह के यहाँ पे झूला है ना, इस झूले में बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं यो। है। सुनील काफी ज्यादा थक चुका है, तो यहाँ पे रेस्ट हो रहा है सुनील का। कह रहा था कि मैंने जाना है मणिकर्ण, पीछे मणिकर्ण की इमेज लगी हुई ना, तो इसको मणिकर्ण जाने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो मेरी बाजू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो जाएंगे मणिकर्ण के बारे में सोचा जाएगा, फ्यूचर में सोचा जाएगा उसके बारे में, तो देखते हैं। अभी जाना क्या? अभी जाना पैदल पैदल जाना, नहीं करना, हम यहाँ से आएंगे पैदल, तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, 2-3 दिन में भी नहीं पहुँच पाएंगे हम। तो गाइज, सुनील को यहीं पे दिखाते हैं मणिकर्ण। सुनील, ये मणिकर्ण, यहाँ पे गर्म गर्म पानी होता है यहाँ पे, तो कभी और दिन चलेंगे यहाँ, है ना, कभी और दिन चलेंगे यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है यस ना, यस सर, यस सर। ठीक है। हिडिंबा माता हम घूम के आए 2 बार, और बहुत ज़्यादा सुंदर सी जगह है हिडिंबा माता, तो यहाँ पे लिखा है हिडिंबा माता के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो सुनील पढ़ रहा है इसको, तो आप लोग भी यहाँ से पढ़ लेना। बैठ चुके हैं यहाँ पे सी सॉ पे, तो अब भी आएगा बहुत मजा। वो ये वजन बढ़ गया सुनील का, उठ गया, आज जलेगा, आज जलेगा सुनील बिल्कुल ही। सुनील का वेट बढ़ चुका है। स्पीड हो, स्पीड स्पीड से, स्पीड से ना, क्या स्कीम है, चल बैठ। हाँ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी है। तो मिल चुका है हमारे को टाइगर, तो अब ये मुझे जंप मारने वाला है। मनाली में इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद नहीं, यहाँ देखो लोग काम करते हुए, तो 5 दिन हो चुके हैं मनाली में, तो काफी ज्यादा इंजॉय भी हमने कर लिया है पिछले कल से। ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है मनाली में, और आज शाम को बर्फबारी गिरने के भी काफी ज्यादा चांसेस बन चुके हैं यहाँ पे, और हमने हमारे घर तो जाने काफी। के चांस बन रहे हैं। और हमारे घर जाने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है यहाँ पे। अगर बर्फ़ गिर जाती तब तो थोड़ा मज़ा भी आ गिर जाएगा, जाएगी हम यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा बर्फ़ गिर ही जाए यहाँ पे, उससे अच्छा तो हम बर्फ़ में खेल लेते हैं मनाली में। यार यहाँ पे टीम वन चल नहीं रहा, टीम टू भी खराब हो गया है। अभी बज चुके हैं रात के 12, और अभी तक हम मूवी देख रहे थे, और सुनील सो चुका है यहाँ पे, और मैं भी अभी सोने वाला हूँ। तो आज हम गए थे यहाँ पे मनाली में, क्या बोलते हैं, वन विहार में। तो बस आज का जो हमारे वीडियो था कुछ ऐसा था, तो बस कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।